बोलिए गंगा मैया की जय। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गंगा अभियान एक समीक्षा, यानी मुझे आप सबके सामने गंगा अभियान का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है, क्योंकि आप जो मंच पर विराजमान हैं वो और जो सामने हैं वह लोग हैं जिनको मैं बहुत समय से जिनके सानिध्य में हूँ। इसलिए अपने वाक चातुर्य से मैं आपको प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करूँगी, मैं आपके सामने गंगा अभियान का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूँगी। गंगा जी तो जब से धरती पर आई हैं तब से कोई ना कोई गंगा के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है। करोड़ों ऋषियों मुनियों ने अनादिकाल से लेकर अभी तक जो तपस्या की है वह गंगा अभियान के लिए ही है, उसको अविरल और निर्मल बनाए रहने के लिए है। इसलिए हमारा कार्य अभिनव नहीं, हमारा कार्य विशिष्ट भी नहीं है, हम तो उसी कड़ी का एक अंग है। जैसे धारा में एक बूंद जल होता है, इसी तरह से मेरी खुद की जिंदगी मेरे हाथ में नहीं रहती, निर्णय पता नहीं कौन करता है और उसमें बह जाना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति गंगा अभियान को लेके भी हुई। एक ऐसी स्टेज आ गई थी जिसमें यह फैसला करना था कि आगे के राजनीतिक जीवन की दिशा क्या हो। उसी समय पर मैं आचार्य बालकृष्ण जी के पास आई 2010 दिसंबर में। बाबा ने मुझे बुलाया, रामदेव जी ने, लेकिन दोस्ती मेरी आचार्य जी से ज्यादा है। तो आचार्य जी के पास में रही, बाबा के पास में भी रही, और उसी समय पर आचार्य जी ने, वो मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं उनको गुरु तुल्य और माता पिता के समान मानती हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको 9 दिन मौन रह करके गायत्री की साधना करना है पहले, फिर फैसला करना है। तो गायत्री की साधना का स्थल क्या हो, तो हमको वो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए ले गए विंध्यवासिनी माई के दर्शन कराने के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कुष्ठ रोगियों की सेवा का प्रकल्प चलाया हुआ है, वहाँ भोजन करके जंगल में जो विंध्यवासिनी है उसके दर्शन करने ले चलेंगे गायत्री का जप प्रारंभ होने से पहले। तो मालूम पड़ा वो तो आशीष जी का स्थान है, और आशीष जी हमारे पुराने परिचित हैं, संघ के बहुत विशिष्ट प्रचारक माने गए हैं आशीष गौतम जी, उनके प्रति हम सबके मन में बहुत सम्मान रहता है। तो इस तरह से हम आशीष जी के स्थान पर पहुंच गए, दिव्य प्रेम सेवा मिशन का जो स्थान है वंदे मातरम कुंज, जिसमें चारों तरफ गंगा की धारा है और बीच में वो स्थान है। मैंने कहा कि पहले योजना कहीं और रहने की थी 9 दिन, मैंने कहा आचार्य जी को कि अगर आप अनुमति दें तो 9 दिन मैं यहीं रहूँ दिव्य प्रेम सेवा मिशन के वंदे मातरम कुंज में, तो ये तय हुआ यहीं रहेंगे। तो हवन के लिए जगह नहीं थी, तो वहाँ यज्ञशाला, आचार्य जी ने कहा यज्ञशाला बन जाएगी, 24 घंटे में यज्ञशाला बनी, हवन सामग्री आ गई, और वहीं मैंने मौन रह करके गायत्री का जप, और सवेरे और शाम 3-3 घंटे गायत्री का हवन प्रारंभ हुआ। उसी समय पर अखबार में मैंने पढ़ा कि धारी देवी के बारे में कुछ लोग मुख्यमंत्री निशंक जी को मिलने गए, ऐसा मैं पेपर पढ़ रही थी। तो क्या है धारी देवी को, क्या समस्या आ गई है, क्योंकि मैं तो बद्री केदार जो जाते हैं तो धारी देवी उनको मालूम रहती हैं, तो समझ में आया कि धारी देवी कहीं डूब में आ रही हैं, और एक प्रतिनिधि मंडल निशंक जी को मिलने के लिए गया है इस बात के लिए कि धारी देवी को डूबने से बचाया जा सकता है क्या। तो मेरा मन टूट गया और मैंने निशंक जी को वहीं से चिट्ठी लिखी कि धारी देवी को डूब में आने से कोई विचार करना चाहिए, कोई उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि मैं भी जैसे सामान्य पर्यटक बद्री केदार जाते हैं तो धारी देवी को बहुत मानते थे, हम भी मानते हैं, और इस तरह से एक नई चीज शुरू हो गई जो सोचा ही नहीं था। अब धारी देवी कहाँ है, अलकनंदा के तट पे, अलकनंदा कौन है, गंगा की सहयोगी नदी, अब ये नहीं मालूम था कि ये निमंत्रण गंगा की तरफ से आ रहा है, और धारी देवी की धारा धीरे धीरे गंगा की तरफ ले जा रही है, तो सोचा ही नहीं था। और जैसे ही गायत्री का हवन समाप्त हुआ, मैं जिस जगह पर गई उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ, मैं एक ऐसी जगह पर गई जिसको हम अपना तीर्थ स्थान मानते हैं, उन वहाँ मैंने एक अपने वरिष्ठ सम्माननीय अधिकारी के सामने धारी देवी की स्थिति और गंगा की स्थिति की बात करी,
संयोग से वहाँ अशोक जी सिंगल भी बुढ़के हुए थे। उनके पास में बैठी तो वो कहने लगे, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारा कुछ हो नहीं पाया, और अब तो मैं सब जगह चल भी नहीं पाता हूँ। अरे मैंने उनको कहा, आप चिंता मत करिए, आप समझ लीजिए कि शरीर अब आज से मैं आपको देती हूँ, डोनेट करती हूँ, जैसे राजा ययाति को उसके पुत्रों ने जवानी दी थी। मैंने कहा शरीर मेरा रहेगा और आत्मा आपकी रहेगी, और हम काम करेंगे ना, अभी हम काम करेंगे, मैं काम करूँगी, आप बताइए आपको कहाँ जाना, मैं जाऊँगी, आप बताइए आपको क्या करना, मैं करूँगी। और इस तरह से गंगा की बात उन्होंने छेड़ी धारी देवी के साथ, और गंगा अभियान का प्रारंभ हो गया। मैं अनशन पर बैठी धारी देवी को लेके, जयराम रमेश जी को मैंने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मेरे भाई निशंक जी को जब पता लगा कि अनशन में हालत बिगड़ने लगी है, क्योंकि मैंने इतनी ईमानदारी से अनशन किया, मैं आपको बताऊं कि तीसरे दिन ही हालत खराब हो गई। तो सच्ची बता रही हूँ, तो उसका परिणाम ये निकला कि निशंक जी को बहुत दबाव पड़ा सब तरफ से, जल्दी जाओ उसकी हालत खराब हो रही है, क्योंकि पल्स रेट गिरने लगा। अच्छा, और बातें भी करती रहती थी, क्योंकि पहले ही दिन लेट जाओ मैं ऐसा करती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ, लेकिन तीसरे दिन वास्तव में स्थिति बिगड़ गई। तो निशंक जी आए, अनशन टूटा, धारी देवी की रक्षा होगी ये तय हुआ, और उसके बाद जयराम रमेश जी से बातचीत हुई, तो जयराम रमेश जी मुझे कहने लगे, हमको लगता है कि कुछ हो जाएगा। फिर हम प्रधानमंत्री जी को मिले, सोनिया जी को मिले, फिर उसके बाद में लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार जी को मिले, अडवाणी जी को मिले, तब तक कुछ ऐसा हो गया कि भाजपा में आ गई मैं उसी बीच में। और लेकिन इसके बाद भी मैंने गंगा से एक बात कही है कि देखो माँ, मेरे से गलती हो सकती है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, और संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ मेरे तुम भी मुझको ना भुला देना। ये भजन बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन इसकी ये जो लाइन है ना, ये बहुत फोकस्ड रखती है कि हम भूल जाएं तो कान पकड़ के हमें लाइन पर रखना, बिल्कुल वहीं रखना जहां हमको होना चाहिए, हमारी सुई इधर उधर मत होने देना। तो इसलिए माँ घुमा फिरा के ले आती है। अब इसके बाद जो बड़ी दिक्कत यहाँ आई, वो ऐसी आई कि मैं क्या बताऊँगा आपको, और उसका समाधान भी हो गया, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ हवाई जहाज से डर लगता है बस, इसलिए तो ट्रेन से आई, मुझे लगने लग जाता है ऊपर जाके कि ये नीचे गिर जाएगा, इसके अलावा मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। तो और ये भी पहले नहीं था, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, एक्सीडेंट हुआ था मेरा बहुत बड़ा, गाड़ी चलाते हुए, बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते हुए, तो उसके कारण ये 5-7 साल से ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं डरती नहीं हूँ, तो मैं डर ही नहीं किसी भी चीज़ से, मैं विरोध से भी नहीं डरती, और मैं भीड़ के बीच में खड़ी हो जाती हूँ, भीड़ से भी नहीं डरती, मुझे मॉब से डर नहीं लगता। तो बहुत जोर से यहाँ हुआ, विकास विरोधी, विकास विरोधी, विकास विरोधी। अब मैं समझ गई, इसलिए हमें हर जगह ना यहीं से शुरू करना पड़ता है, हम विकास विरोधी नहीं हैं। बड़े बांध या छोटे बांध, ये तो डिबेट बाद में होगी, इसलिए हमने तो मुख्य बात ये कही है कि हमें गंगा अविरल और निर्मल होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करो। मदन मोहन मालवीय जी के समय पर जब एक बांध बना था सिंचाई के लिए, तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने एक करार किया था, और जिसमें यह तय हुआ था कि एक धारा छोड़नी पड़ेगी जो बिना बाधा के निकलेगी, उस धारा का नाम राम गंगा था, और वो अभी भी वहाँ पर बह रही है। उस समय के किए गए जो करार हैं वो आज भी चल रहे हैं। रुड़की के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करके प्रस्तुत कर दिया है कि आप जितने चाहो उतना पावर जनरेशन करो, ये अलग विषय है, हमें पावर जनरेशन हमारा विषय नहीं है, हम हर चीज़ को अपना विषय नहीं बना सकते, हम तो एक ही हमारा विषय है कि आपको जो करना है सो करो, लेकिन गंगा की एक धारा अविरल बहनी चाहिए, और वो सूखनी नहीं चाहिए, पूरे समय उसमें इतना जल रहना चाहिए कि वो अविरल धारा सूखनी नहीं चाहिए। और ये हो सकता है, जब मदन मोहन मालवीय जी के समय पर जब क्रूड टेक्नोलॉजी थी तब हो गया, तो आज जब इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी रिसर्च हो गई है और वो प्रस्तुत कर रहे हैं उस चीज़ को, तो ये हो सकता है और इसको लागू करना चाहिए। जो मैंने आपको दिक्कत कही ना, वही कि ये कपड़े इनके हैं नहीं हैं या इनके हैं, हमको पूरे समय ये सफाई देनी पड़ती है कि जब हम ये कह रहे हैं तो हम किसी विकास को अवरुद्ध नहीं कर रहे, हम किसी विकास को अवरुद्ध नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो गंगा बेसिन अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी अनुरोध किया कि आप ये किसी मंत्री को दे दीजिए और आप इसको गंगा सेंट्रिक करिए, पहले एक मॉडल नदी को आप तैयार करिए और फिर उस मॉडल को पूरे देश पर लागू करिए।
और इसलिए अब इस पर भी हम काफी आगे बढ़े। निर्मल गंगा के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगे, कानपुर जो है वो एक चुनौती है। अभी गंगा के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कानपुर है। जितने प्रकार की तकलीफें गंगा को हो सकती हैं वो सब तकलीफें कानपुर में हैं। प्रदूषण की है, निर्मलता में अवरोध है, अविरलता में अवरोध है, मानव निर्मित गंदगी है, उद्योगों की गंदगी है। गंगा कानपुर में इतनी विकट हो गई है कि लोग कहते हैं कि जल नहीं बल्कि जहर के रूप में हो गया है। इसलिए कानपुर की जो ट्रेनरीज हैं चमड़ा उद्योग, या तो उसको शिफ्ट किया जाए या फिर वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए और उसमें देरी ना की जाए, जल्दी हो ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए। सेंड माइनिंग जो हो वो रिवर फ्रेंडली हो। एक संत इसलिए तपस्या करते हुए यही हरिद्वार में अपना प्राण त्याग चुके हैं इसी बात को लेकर के। सेंड माइनिंग नहीं हो ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन सेंड माइनिंग रिवर फ्रेंडली होनी चाहिए, वो नदी की अविरलता के लिए होनी चाहिए। रिवर जब जो जैसी प्रकार की नदी है वैसी उसकी अविरलता, और उस अविरलता के अनुसार सेंड माइनिंग होनी चाहिए, हम इसको कह रहे हैं। इसी प्रकार से जो गंगा बेसिन अथॉरिटी है, हमारा मानना है कि उसका हेडक्वार्टर दिल्ली नहीं होना चाहिए, गंगा के किसी तट पर होना चाहिए। गंगोत्री से गंगा सागर के बीच में मध्य में जो स्थान पड़े वहाँ होना चाहिए, और पूरे संसार के लोग रिवर साइंसेस को पढ़ने के लिए उस हेडक्वार्टर पर आ गए तो वहाँ एक यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए रिवर्स के लिए, रिवर साइंसेस के लिए। और उसकी दो ब्रांचेज होनी चाहिए, एक उत्तराखंड में होनी चाहिए नदी और पर्यावरण का संयुक्त अध्ययन करने के लिए, और एक दक्षिण भारत में कहीं होनी चाहिए दक्षिण भारत की नदियों का अध्ययन करने के लिए। ये प्रस्ताव हमने रखा है। इसी प्रकार से गंगा की निर्मलता के लिए जो सामाजिक संगठनों का सहयोग चाहिए, उसके लिए मैं भगवती से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं आ रही थी अंदर तब भी मुझे लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो मैं गंगा से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे मन में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं चुनाव लड़ूंगी सरकार बनेगी तो मंत्री बनूंगी। नहीं, मेरे मन में यही बात आनी चाहिए कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये इस बात से तय होना चाहिए कि गंगा का काम कैसे सिद्ध हो सकता है, बाकी की बातें बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं गंगा का काम सिद्ध हो, अगर लगे कि चुनाव लड़े बिना ये काम करना है तो चुनाव लड़े बिना ये काम हो, और चलेंगे पैदल, पैदल चलना पड़ेगा। मैं पूरे समय कह रही हूँ कि मेरे टेम्पटेशन पर मुझे नियंत्रण करना पड़ेगा और गंगा के किनारे किनारे पैदल चलना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी संख्या है रिटायर्ड लोगों की, वो सब लोग अगर एक ही काम में लग गए कि गंगा के तटों को पर्यटकों से और स्नानार्थियों से सुरक्षित रखना है, प्रदूषण मुक्त रखना है, वो स्नान भी करें और गंगा निर्मल भी बहे, तो वो हो जाएगा। उस उतनी बड़ी आबादी को जोड़ने के लिए लगना पड़ेगा। उसके लिए हमने गंगा चौकियों का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है, गंगा चौकी नाम से हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पेड़ भी लगा देना, वो पेड़ जो पहले गंगा के तटों पे थे और अब नहीं हैं, उन पेड़ों को भी पितर पक्ष में हमने लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ऋषिकेश में हमारे जो सह संयोजक हैं प्रेम अग्रवाल जी, उन्होंने भी किया था। उत्तराखंड के लिए तो इतना अच्छा बोला है, उत्तराखंड को तो पूरी दुनिया प्यार करती है, और उत्तराखंड सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, और अगर उत्तराखंड सुरक्षित नहीं रहा तो भारत भी सुरक्षित नहीं रहेगा।